एंड एमजी ने एक नया कलर लॉन्च किया है अपनी गाड़ियों में, विच इज कॉमेट में है, एस्टन में है, और फिटिंग है, कलर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड अब एक्जैक्टली क्या है वो दिखा रहे हैं। दिस इज द न्यू कार जो इस कलर कोऑर्डिनेशन में आई है। हमारे साथ एम जी मोटर्स है मिस्टर सचिन, जो इस कलर का नाम बताया सचिन भट्ट भाई हमारे साथ है, और इस कलर का नाम बताया तो बेसिकली बोलते हैं एक्चुअली मैं बात में बताना चाहूँगा, पहले मैं गाड़ी के फीचर्स क्या बताना चाहता हूँ। तो बस एक कार हमारे जो वेरियंट आती है ऑटोमेटिक फुल्ली चार वेरियंट में हमारा 5 सीटर। तो बस गाड़ी की हम बात करें तो फ्रंट में आपका मैच ग्रीन मिल जाती है, एज वेल स्टैंडिंग करते हैं काफ़ी इम्प्रेसिव है। एलईडी ट्रिम में आपको लाइट मिल जाती है आपको, और इंजन की बात करूँ तो 1500 cc का टर्बो इंजन है जिसमें 143 PS एंड 250 टॉर्क है कार का। हाई प्रोफाइल की बात करूँ तो कार के साथ आपको 18 cc आवाज मिल जाते हैं फुल ब्लैक के साथ, जिसमें आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है कार में। ऑटो फोल्डेबल आज वो आगे मिल जाते हैं 360 डिग्री कैमरा के साथ। तो सचिन भाई, ये नया जो ब्लैक थीम इंटीरियर है इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ। इंटीरियर की बात करूँ, फर्स्ट कलर में क्या है कि ये ना 100 ईयर सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग ये कलर लॉन्च किया है कंपनी ने। ठीक है लाइक आज इसके ब्लैक का हम लॉन्च करते सेम वही है। ठीक है, ब्लैक मिलती है और इंटीरियर बॉडी इसकी आपको ग्रीन मिलती है कार के। ओके, और ये ब्लैक कौन सा है, नेपोली ब्लैक है या ग्लॉस ब्लैक है? ग्लॉस ब्लैक है। ठीक है, इंटीरियर जो रहेगा इसका ब्लैक ही रहता है। समझ गया, टीचिंग रहेगी साथ में इसकी। समझ गया, और ये ऊपर सीट पे जो लिखा हुआ है ये क्या है? 100 ईयर सेलिब्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है वही है, ये स्पेशल एडिशन है सर। ये कितने मॉडल्स अभी तक इसमें निकले हैं अभी अपने? मैं बात करूँ मॉडल्स की तो कलर ऑप्शन सेम निकले हैं, जो कि ग्लॉस्टर में नहीं है, वो है आपकी हेक्टर, जेड एस ईवी, कॉमेट में। एस्टर। समझ गया, ठीक है, डन। पीछे से गाड़ी को एक बार दिखाते हैं अंदर से। तो भाई सचिन भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, इनकी हाइट करीबन 5'8" है मेरे ख्याल से, 5'9" है जी। और उस हिसाब से आप पोजीशनिंग देख सकते हो भाई गाड़ी में कितना कंफर्ट है, इनकी लेग स्पेस देख लो, और ये ड्राइविंग सीट भी ऑलमोस्ट इनके हाइट के हिसाब से ही बनी पड़ी है, और हेड रूम भी बहुत ज्यादा मिलता है इस गाड़ी में। तो सचिन भाई, पीछे बैक रेस्ट जो पीछे बंदे बैठेंगे इनको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ गाड़ी के अंदर? सर आपको पहले तो कंफर्ट, ठीक है, सेकंडली आपको इसमें आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर। ओके, सेकंड रो पे देन उसमें आपको एक लाइट यहाँ पर, अच्छा बुक रीडिंग लैंप भी मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, एंड इसमें विंडो अप डाउन कार्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें प्रॉपर थर्ड बंदे का हेडरेस्ट आता है ऊपर यहाँ पे। तो ये एक प्रॉपर 5 सीटर गाड़ी है गाइस, क्योंकि यूजली ये मैंने देखा है और एक वो वाला हेडरेस्ट देखा, बीच वाला कभी भी होता ही नहीं है, तो ये काफी ज्यादा है। एंड पीछे वेंटिलेटेड सीट्स हैं कि सिर्फ आगे वेंटिलेटेड सीट्स हैं? ड्राइवर को ड्राइवर वेंटिलेटेड सीट्स आती है कार पे। समझ गए, ठीक है, शार्प वेरिएंट डन। और यहाँ पे कुछ अपना यूएसबी पोर्ट वगैरह है, टाइप सी आपको, सॉरी यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं आपको इस कार में, ये नीचे की तरफ जी। ओके, और यहाँ पे ये एसी है, पूरा एसी आपका वेंट मिल जाता है इसमें, और पीछे से कंट्रोल है इसमें या कंट्रोल सारे आ गए हैं? कंट्रोल फ्रंट में ही मिलेंगे। आओ एक बार बूट स्पेस भी देखते हैं इस गाड़ी का गाइस। स्पेस खोलने से पहले गाड़ी की पीछे की बैक लुक देख लो, कितनी ज़्यादा एलिगेंट है ये, कितनी ज़्यादा क्लासी है ये, और ये देखो स्वाइप इंडिकेटर्स और ऑटोमेटिकली बूट खुल चुका है यहाँ पे, जादू हो गया गाइस, जादू। भाई साहब 583 का बूट स्पेस आता है, मतलब अगर 5 बंदों की फैमिली अपने बड़े बड़े बूट लेके लगेज लेके जाएंगे ना तो इस गाड़ी में आराम से आ जाएगा भाई। साइज अगर आप देख सकते हो उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, प्लस इसमें ये पार्शियल ट्रे हट जाती है तो एक आपको हाइट भी मिल जाती है, और यही यहाँ पे इसके हुक हैं दोनों तरफ, तो ये निकल भी जाती है, प्लस ये ऐसे खिंच के पूरी कवर भी हो जाती है अगर आपको ज्यादा सामान कैरी ना करना हो। एंड सचिन भाई, ये जो बुल बार लगा हुआ है इसमें, सर ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, ये एक्सेसरी का पार्ट है। एंड ये जो फीचर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आता है वो एमजी उसके आधे प्राइस पे आपको ऑलरेडी दे चुका है। वो करके दिखाओ कैसे होता है,
तो ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा है, जो बच्चे क्योंकि मैंने देखा हाथ वाथ डाल देते कभी दरवाजों में। तो गाइज ये आपने देखा लाइव एग्जांपल जो सचिन भाई ने दिखाया अभी, और अब देखो ये अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें अपना वो वाला फीचर भी है, लेग वाला भी, वो नहीं है, वो ग्लॉस्टर में आता है। एंड ये 60 लीटर का, ठीक है गाइस, ऐसा कुछ इंटीरियर है, बताइए। ये शार्प वेरिएंट है, शार्प वेरिएंट में फुल्ली लोडेड कार होती है जिसमें आपका पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर को ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट द सिक्स वे एडजस्टेबल, को ड्राइवर द फोर वे एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली वंडरफुल। देखिए आप बैठ के देख सकते हैं, ऑटो होल्ड ऑप्शन मिल जाते हैं, पार्किंग मिल जाती है आपको। ठीक है तो सचिन भाई हम यहाँ बैठते हैं, एक बार आप उधर से आइए और फिर गाड़ी का पूरा अंदर से दिखाते हैं कि कैसा हिसाब किताब है। लोगों सचिन भाई के साथ गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और ये जो लग रहा है ना पूरा, ये एयरक्राफ्ट वाली फील दे रहा है इसको, जैसे आप हैंडल देख सकते हो। तो ये एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड है सचिन भाई? जी सही, हम जो ड्राइव भी कर रहे थे उसको एमजी पायलट बोलते हैं। अरे भाई साहब क्या बात है। एंड ये सॉफ्ट टच लेदर, टच लेदर है सर, ऊपर भी है पूरा और नीचे भी है। जी सर। वाओ, और उसका ये एसी वेंट यहाँ है कि यहाँ है? सर यहाँ पर एसी वेंट। अच्छा यहाँ पे एसी वेंट्स हैं और एक यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील मिलता है गाइस, काफी बड़ा है, काफी स्पोर्टी है, काफी अच्छा ग्रिप, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रिप काफी अच्छी दी हुई है इस गाड़ी में, और हॉर्न एक नंबर है भाई। अब आपको जरा गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि शोरूम के अंदर है, तो इसका जो पेट्रोल फ्यूम्स है वो सबकी सांसों में जाएगा, तो सिर्फ इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी का। ये देखो भाई, ये स्टार्स की तरह आता है और सामने एमजी कितना सुंदर बन के आ रहा है, यहाँ पे भी एमजी लिखा आ रहा है और एसी अभी चालू है गाड़ी का, और वहाँ पे हेक्टर बनी आ रही है। मैंने इसका ये नोटिस किया था एमजी के उसमें, कि इसमें जब हम लाइक डिपर देते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें दिखता है। जी सर, अभी दूंगा तो दिखेगा। जी सर, इसका डिपर राइट साइड पे ही है गाइज, ये आपने देखा, फ्रंट पे भी देखना और इधर स्क्रीन पे भी देखना जरा, आप देख पा रहे होगे एग्जैक्टली। अगर मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो एक सेकंड आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। हेलो, फ्यूल लेवल इज बिलो 1/8 टैंक, प्लीज फ्यूल योर कार। देखो गाइस, एमजी पीछे से बोल रही है उसको प्लीज अवॉइड कर देना, बट यहाँ पे देखो इंडिकेटर भी जलता है। तो इस तरीके से एमजी ने इस गाड़ी के बारे में ध्यान रखा गया है। और ये कलर थीम, ये गाड़ी से ही इंस्पायर्ड है सचिन भाई? जी सर। इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताओ ऑडियंस को कि इसमें क्या क्या मिलता है उनको फीचर्स वाइज। इसमें आपको सबसे बेस्ट जो मिलता है एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वायरलेस, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए आप एंड्रॉइड यूजर हो तो यहाँ पर, एंड देन एंड्रॉइड एप्पल हो तो सर आप इस पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली एंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा आपका वायरलेस है? वायरलेस है। वाओ, ठीक है। कार के अंदर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, और इसमें आपका ये आपका एसी है, तो बेसिकली इसमें आता है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 फिल्टर के साथ। ओके, एनर्जर भी आता है गाड़ी में। एनर्जर का बेसिकली वर्क ये है कि जो भी आपकी गाड़ी के अंदर रिमूव होंगे स्मेल, उसको रिमूव करता है। अच्छा, वो भी डाल रखा है इस गाड़ी में? तो ये तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे गाड़ी की एयर क्वालिटी, एंड 37% गुड हैवी जो आपकी कैबिन की है, 38% 38 39। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें सचिन भाई जो ऑडियंस को मिल जाएंगी हमारे? इसमें आपके एसी ऑटो कट आ जाता है एसी में आपका, और मैक्स एसी का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। बेसिकली क्या है कि हम लोग गर्मियों में ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमस रहती है कार पे, हाँ। तो हमें इंस्टेंट कूलिंग चाहिए होगी तो इंस्टेंट कूलिंग के लिए मैक्स एसी का ऑप्शन आता है, तो वो गाड़ी को बहुत जल्दी ठंडा कर सकता है। एंड सेकंड चीज सचिन भाई, इसमें मेरे को एक चीज ये बताओ, ये है शायद से वेंटिलेटेड सीट्स के बटन, सीट के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड पे, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड पे मिल जाते हैं। ओके, एंड ये हो गए हमारे दो कप होल्डर, हो गए, ठीक है ठीक है। और ये आपका आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, काफी ज्यादा स्पेस है गाइस अंदर उसके, काफी डीप है आप देख पा रहे होगे, विद एडजस्टेबल, और ये एडजस्टेबल भी है, तो ये एक तरीके से आपको काफी ज्यादा अच्छा कंफर्ट देता है जब आप ऐसे हाथ रख के बैठते हो। एंड सचिन भाई, ये सब चीजें क्या है इस गाड़ी के अंदर? आपको ये आपको पार्किंग मिल जाती है ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली पार्किंग एंड इलेक्ट्रिकली होल्ड ऑटो होल्ड। तो मतलब ऑटो होल्ड का बेसिकली वर्क क्या होता है कि हम जैसे कि पार्किंग और न्यूटन पे हमें पार्क करने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऑटो होल्ड का क्लिक करते हैं तो आप ब्रेक से पैर हटाएंगे आपकी गाड़ी होल्ड रहेगी, चाहे गाड़ी डी मोड पे भी क्यों ना हो। जी डी मोड पे क्यों ना हो, जस्ट लाइक जैसे कि हम पेट्रोल रेड लाइट पे रहते हैं
तो हमें न्यूटन पे रखने की जरूरत नहीं है गाड़ी को, नहीं पार्किंग पे। तो ये तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, फ्यूल भी बचेगा, प्लस गाइस आपके पैरों को दर्द भी नहीं होगा, आराम मिलेगा उससे। ठीक है, एंड ये एस से मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है स्पोर्ट्स मोड भी इस गाड़ी में मिल रहा है। देखो नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स तीन मोड आते हैं कार पे। ठीक है, ठीक है। मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो इस कार के अंदर आपके साथ थ्री फर्स्ट आपको रेडियो मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, सेटिंग में मिल जाएगा अब फोल्डर, मीडिया, एसी कंट्रोल और व्हीकल सेटिंग एंड डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया एंड्रॉइड ऑटो का इस पे कनेक्ट। और ये 360 डिग्री क्या है, डिग्री कैमरा आता है इसमें फुल 3D में और 2D में, हाई डेफिनेशन पूरा गाइस। इसकी क्वालिटी भाई साहब, ये मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर कैमरा है ये और मेरी आंखें बता पा रही हैं। एंड ऐसे आप अलग अलग कैमरास, और ये 3D मोड है गाइस, ये देख सकते हो आप, बगल में हमारे बंदे बैठे हुए हैं वो भी दिख रहे हैं इस कैमरा के अंदर, कोई चल के जा रहा है, देखो बगल से कोई चल के गया वो भी दिख रहा है इस गाड़ी में, और ये बगल में बंदे सोफे पे बैठे लिटरली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ बैठे हैं वो, देखिए वहाँ बैठे हैं और यहाँ पे हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो ये तो काफी ज्यादा कूल चीजें हैं गाड़ी, इस गाड़ी वायरलेस चार्जर मिल जाता है फ्रंट में, यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है हमें जी। सो भाई साहब, और आपने इसका एक शोरूम कितना बताया था मुझे, एक शोरूम मैं बताया था अभी 21 लाख कुछ बताया था आपने मेरे ख्याल से। तो गाइज मुझे एक चीज़ ये बताओ जरा, आप लोग MG हेक्टर में आपको वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो BMW, Mercedes, Audi, Volvo उस क्लास सेगमेंट के फीचर्स हैं, एंड फॉर्चुनर में ऑटोमेटिक टेलगेट आता है जो इसमें भी है। तो फॉर्चुनर करीबन 60 लाख की गाड़ी है और ये अपनी ऑलमोस्ट 21 लाख 38 हज़ार की गाड़ी है, तो उसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो क्या माड़ा है भाई। MG हेक्टर शुड बी योर कार। एंड एक चीज़ और समझ लेते हैं गाड़ी में सचिन भाई से कि इसमें वेटिंग पीरियड कितना है। एंड गाइज ये पूरी की पूरी पैनारोमिक सनरूफ है, अगर आप उसको देख पा रहे हो, मैं 0.5 पर दिखा देता हूँ एक बारी। प्लस गाड़ी में 6 एयरबैग्स आ जाते हैं गाइज। एंड कंफर्ट की मैं बात करूँ तो मैं भाई 6'1" हूँ, मैंने अपने हिसाब से ये सीट एडजस्ट कर रखी है, एंड उसके बावजूद भी पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस है गाइज। एंड गाड़ी की विड्थ काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं यहाँ पर अपनी स्पेस लेके बैठा हूँ तो मेरे बगल में अगर कोई बैठेगा तो वो बिल्कुल भी इंट्रूसिव नहीं होगा, वो भी अपने जगह पे कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ मैं भी। एंड इन्फिनिटी का सराउंड सिस्टम मिलता है, साउंड सराउंड सिस्टम इन्फिनिटी का है गाइस इस गाड़ी में। एंड ये इसका लो बीम है गाइस, अगर आपको दिख रहा हो, एंड ये इसके फॉग लैम्प्स ऑन है, ये ऑन हो गए अभी, ये बंद हो गए। एंड ये हाई बीम है गाइस इस गाड़ी का, तो LED वाइट LEDs मिलती हैं। और अब सचिन भाई से एक बारी फाइनल इसका प्राइसिंग समझ लेते हैं और वेटिंग पीरियड भी यहाँ से खुलता है, तो आप जब गाड़ी का दरवाजा बंद करते हो तो यहाँ पे जो होता है ना वो दिक्कत देता है, तो MG ने इतना ध्यान दिया कि आपको बैठ के झुकना नहीं पड़ेगा, आप सीधा यहाँ से एक क्लिक करोगे और इंजन खुल जाएगा। सचिन भाई अब हमें इंजन दिखाएंगे और इंजन स्पेसिफिकेशन समझा देंगे एक बार इस गाड़ी की। ये एक मिनट छोड़ना सचिन भाई, भाई एक हाथ से जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी है इसका हुड, लगेगा तो बताना तभी छोड़ूंगा, लग गया भाई बहुत भारी है। और ये पूरा कवर्ड है भाई, मतलब मिट्टी विट्टी सब से प्रोटेक्ट रखेगा ये, मतलब। तो सचिन भाई इंजन कौन सा ये पहले बताओ। इंजन सर सेफ्टी इंजन आता है इसमें, 1.5 टर्बो, 1.5 टर्बो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया स्टार्टिंग में, अभी बता रहा हूं। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 143 PS हॉर्स पावर है गाड़ी की, एंड 250 है। और अगर डीजल में किसी को गाड़ी लेनी हो तो डीजल के स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे? 2 लीटर का टर्बो इंजन आता है, डीजल 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है, 350 स्पेसिफिकेशंस। आप समझ लेते हैं MG वारंटी में क्या क्या ऑफर करती है। MG वारंटी में जो कवर देते 333, बेसिकली आपको 3 साल गाड़ी की वारंटी मिलती है, 3 ईयर्स RSA मिलता है, रोड साइड असिस्टेंट जो कि फ्री मिलता है कार के साथ कहीं पे भी 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर मिलती है कार के। एंड अगर किसी को वारंटी एक्सटेंड करानी हो तो उसका भी कुछ ऑप्शन है, 2 साल के लिए वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, 2 साल के लिए भी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, और इस गाड़ी को ये जो कलर है लुक एक अलग ही एनहांस करके दे रहा है। तो सचिन भाई अगर किसी को ये गाड़ी बुक करनी है तो एक बार दोबारा से बता दो कि कहाँ आना पड़ेगा। सर आपको आना पड़ेगा लाजपत नगर, MG मोटर साइंस सीधे कार में, और आपको मेरे से मिलना पड़ेगा सचिन भट्ट से। और एक बार अपना नंबर फिर से बता दो ऑडियंस को, 9953516911। तो गाइस सचिन भाई हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं भाई MG मोटर्स में, और इनके साथ एक अपना भाई रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम MG मोटर्स बार बार आ जाते हैं तंग करने के लिए। बहुत वेलकम, ठीक है, बहुत स्वीट है भाई। अगर आपको गाड़ी बुक करानी है तो इनसे बेटर मैंने कोई भी सेल्स बॉय नहीं देखा है,
मतलब मैंने टाटा की भी गाड़ी ले रखी है, शेवरले भी ले रखी है, मारुति की भी ले रखी है, बट द वे ही टेक्स केयर ऑफ द पीपल हु आर कमिंग हियर टू सी द कार इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और इसके मेरे को 150 रुपये मिले वो मैंने दिए नहीं है, तो कॉफ़ी पिला दी कॉफ़ी पिला दी उसकी जगह पे, ठीक है। नहीं बट जेन्युइनली कहूँगा गाइस, तो आप यहाँ लाजपत नगर MG मोटर्स आओ, इनका नंबर मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने एस्टर वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप वो भी देखो। एस्टर ईवी में सेम कलर में आती है, पेट्रोल या डीजल में अभी नहीं आ रही है। पेट्रोल में आती है और ईवी रेड है। एस्टर में ये कलर आया अभी कि नहीं? आ गया पेट्रोल में भी? पेट्रोल में ही आ, पेट्रोल में आ रहा है एस्टर, ओनली पेट्रोल में आता है। तो एस्टर में भी गाइस आपको ये कलर मिल रहा है। तो मैंने पिछला एक एस्टर का ब्लॉग डाला, अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, और ये आपको जरूर मिल जाएगा। एंड सचिन भाई के पास आके ये गाड़ी बुक करा के जाओ। और वेटिंग पीरियड कितना दोगे आप ऑडियंस? सर वेटिंग पीरियड मैक्सिमम जो रहता है 2 वीक का रहता है। 2 वीक का रहता है? हाँ। उससे पहले दिलवा दोगे इनको? जरूर, अगर गाड़ी अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली। तो भाई अगर गाड़ी अवेलेबल हुई तो आपको 2 हफ्ते से पहले मिल जाएगी। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग आवर ब्लॉग्स, एंड चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द आइकन, बेल आइकन, ठीक है। एंड ऐसे ही प्यार देते रहो ताकि हम MG मोटर्स के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।